गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्लांट एनाटॉमी जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था, तो आज एक बार प्लांट एनाटॉमी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि प्लांट एनाटॉमी यानी जो पादप शारीरिकी है उसकी परिभाषा देखी जाए, उसकी डेफिनेशन देखी जाए, तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। प्लांट बॉडी के अंदर जितने प्रकार के भी टिश्यू हैं उनकी संरचना, उनकी स्ट्रक्चर और उनका संगठन, कि उन किस प्रकार से वे अरेंज हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, संगठन। तो प्लांट बॉडी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो टिश्यू हैं उनकी संरचना और उनके संगठन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आल्सो कॉल्ड इज प्लांट एनाटॉमी। तो इस प्रकार आप इसकी एक एक्यूरेट डेफिनेशन दे सकते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू आल्सो नोन इज प्लांट एनाटॉमी। अब जो प्लांट्स की बात करें तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि प्लांट ग्रुप के अंदर सबसे जो एडवांस, जो मोस्ट जो एडवांस जो कैटेगरी हैं वो कौन सी हैं, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म से भी जो एडवांस कैटेगरी है वो है एंजियोस्पर्म। तो यहाँ अपने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे कैसे हैं, एडवांस हैं। जितने भी प्लांट ग्रुप हैं या धरती के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जितनी प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है, प्लांट्स पाए जाते हैं, उनमें सबसे एडवांस जो प्लांट ग्रुप हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाए, इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखी जाए, इनकी आंतरिक संरचना की स्टडी करें, तो हमें मालूम होता है कि इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं वो अन्य प्लांट ग्रुप की तुलना में अधिक जटिल होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट ग्रुप हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये क्या है, दुनिया के सबसे मोस्ट कैसे हैं, एडवांस हैं, प्रगत प्रकार के पेड़ पौधे हैं। इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, एक ग्रुप में रहती हैं और ग्रुप में रहकर अलग अलग प्रकार के जो फंक्शन हैं, कार्य हैं, उनका संपादन करती हैं। तो ये जो प्लांट बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं जो कि एक ग्रुप बना के अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन करती हैं, ये जो ग्रुप हैं वास्तव में ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, टिश्यू, जिसको ऊतक बोलते हैं। और प्लांट एनाटॉमी में जो टिश्यू है वो हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन टॉपिक है। तो टिश्यू को अगर अपने देखें तो जो टिश्यू हैं, टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि बच्चों, ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि वास्तव में जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, बेसिक यूनिट क्या कहलाती है, सेल। इसलिए मैंने सेल के नीचे क्या लिखा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की ये कैसी है, संरचनात्मक और क्या है, कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। और सेल्स आपस में ग्रुप बना लेती हैं और अलग अलग प्रकार के क्या करती हैं, कार्य करती हैं। जब कोशिकाएं या सेल्स आपस में ग्रुप बना लेती हैं तो फिर वह क्या कहलाती हैं, फिर उसको टिश्यू बोलती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स आल्सो कॉल्ड इज टिश्यू। तो टिश्यू की अगर एक्यूरेट डेफिनेशन दें तो वास्तव में जो टिश्यू हैं वो है ग्रुप ऑफ सेल्स, यहाँ मैं साथ साथ में नीचे मैंने लिखा है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वास्तव में जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, लिख देता हूँ, वास्तव में जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, ऐसी कोशिकाओं का ग्रुप है, समूह है, जिनका जो उत्पत्ति या ओरिजिन कैसा होता है, एक समान होता है, और उनके जो कार्य हैं वो भी एक समान होते हैं। यानी टिश्यू की डेफिनेशन दें, वास्तव में टिश्यू का मतलब क्या है, टिश्यू एक ऐसी कोशिकाओं का ग्रुप है, समूह है, जिनका ओरिजिन भी एक जैसा होता है, ओरिजिन समान होता है, और उनके जो फंक्शन हैं, जो कार्य हैं, वो भी एक जैसे ही होते हैं। इसलिए अपने टिश्यू को बोल सकते हैं, टिश्यू वास्तव में क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। इनकी उत्पत्ति भी
एक जैसी होती हैं और उनके कार्य भी एक जैसे होते हैं। इस प्रकार ग्रुप ऑफ सेल्स कोशिकाओं का एक जो समूह है वह क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। अब इसी प्रकार टिश्यू का एक ग्रुप बनकर क्या किसकी फॉर्मेशन करता है, टिश्यू सिस्टम की, उत्तक तंत्र जिसको बोलते हैं। और टिश्यू सिस्टम यहाँ पर फिर ऑर्गन को परफॉर्म करता है और ग्रुप ऑफ ऑर्गन आल्सो नोन एज ऑर्गन सिस्टम। और इसी प्रकार ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी है उसको बना देते हैं। तो ये इसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आप देखो सेल्स और टिश्यू के बारे में आपको मालूम चल गया। अब अपने बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की, प्लांट बॉडी के अंदर अपने टिश्यू सिस्टम देखें, क्योंकि टिश्यू सिस्टम किससे मिलता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू। टिश्यू आपस में इकट्ठे होकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और एक प्लांट बॉडी के अंदर जो टिश्यू सिस्टम है वो कौन कौन हो सकते हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बीच का पोर्शन, और एपिडर्मल जिसमें एपिडर्मिस अपने स्टडी करते हैं। अब इसी प्रकार जो टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन की फॉर्मेशन करता है, अंगों का निर्माण करता है। और अंगों के रूप में एक प्लांट बॉडी में आप क्या क्या देख सकते हैं, जब आप एक प्लांट बॉडी को स्टडी करते हैं या उसको देखते हैं, तो एक प्लांट बॉडी में ऑर्गन के रूप में आपको पत्तियां भी दिखाई देती हैं, लीव्स दिखाई देती हैं, ऑर्गन के रूप में स्टेम दिखाई देता है, ऑर्गन के रूप में रूट दिखाई देती हैं, ऑर्गन के रूप में फ्लावर्स दिखाई देते हैं, ऑर्गन के रूप में फ्रूट दिखाई देते हैं। तो बच्चे ये लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर ये ऑर्गन के रूप में होते हैं। इसी प्रकार जो ऑर्गन है वो ऑर्गन सिस्टम के रूप में या पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम यहाँ क्या आ जाएगा, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, क्योंकि कोई भी प्लांट बॉडी है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक तो होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम कौन सा है, अंडरग्राउंड पोर्शन, नाम से ही क्लियर है। देखो पहला कौन सा है, रूट सिस्टम, दूसरा शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम का मतलब जिसमें रूट्स होती हैं, और रूट्स कहाँ होती हैं, अंडरग्राउंड यानी भूमि के नीचे गड़ी रहती हैं, दबी रहती हैं, ठीक है। और सूट सिस्टम कौन सा होता है, ग्राउंड के बाहर वाला पोर्शन जिसको अपने देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको लीव्स दिखाई देती हैं, स्टेम दिखाई देता है, ब्रांच दिखाई देती हैं, फ्रूट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, फ्लावर दिखाई देते हैं, ये क्या है, सूट सिस्टम। तो इस प्रकार सूट सिस्टम और रूट सिस्टम ये ऑर्गन सिस्टम के रूप में जाने जाते हैं। अब इसी प्रकार ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर पूरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों ये इनका था ऑर्गेनाइजेशन। अब अपने बात करते हैं, क्योंकि अपना जो मेन जो टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी में वो टिश्यू के ऊपर चलेगा, तो टिश्यू को अपने यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना है। सबसे पहले टिश्यू में आप इसकी डेफिनेशन दोगे, ठीक है, जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति समान हो और उसके कार्य भी समान हो, उत्तक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। अब टिश्यू के कितने प्रकार हो सकते हैं, टिश्यू की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, वो यहाँ अपने डिस्कस करेंगे। बच्चों आप जब भी पेड़ पौधों को देखते हो, एक तो उसमें रूट सिस्टम मिलता है, दूसरा उसमें शूट सिस्टम मिलता है, ठीक है। या आपने बात करें स्टेम और रूट की बात करें, मेन स्टेम और रूट की बात करें, आपने देखा है इनकी जो ग्रोविंग पॉइंट्स कहाँ होती हैं, वृद्धिशील अंग कौन से होते हैं। कोई भी प्लांट बॉडी आप देखते हो तो कौन सा पोर्शन उसका वृद्धिशील होता है, जहाँ से वह लगातार वृद्धि करता है, टिप पार्ट ऑफ रूट, टिप पार्ट ऑफ शूट, ठीक है, या टिप पार्ट ऑफ स्टेम भी बोल सकते हैं। जो रूट हैं उनके जो अगर सिरे हैं, जैसे ये रूट हैं, ठीक है, ये रूट हैं, और इनके जो अगर सिरे हैं लगातार ये क्या करते हैं, वृद्धिशील रहते हैं। इसी प्रकार कोई भी स्टेम है, स्टेम का जो अगर सिरा है, टिप पार्ट ऑफ स्टेम, टिप पार्ट ऑफ रूट, अगर सिरे लगातार क्या होते हैं, वृद्धिशील रहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ग्रोविंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो टिश्यू हैं, टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, उत्तक दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार इनको किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, तो डेवलपमेंट बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड डिवीजन, वृद्धि और विभाजन के आधार पर जो टिश्यू हैं, उत्तक हैं, उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो कौन सी है,
फर्स्ट कैटेगरी आल्सो कॉल्ड इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड जो कैटेगरी है, द्वितीय जो प्रकार है टिश्यू का वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को अपने क्या बोलते हैं, स्थाई ऊतक, स्थाई ऊतक। और फर्स्ट कैटेगरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको अपने बोलते हैं युग्मोत्तक। तो टिश्यू आर ऑफ मेनली टू टाइप्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड डिवीजन। जो उत्तक हैं वो डेवलपमेंट और डिवीजन विभाजन के बेस पर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको द्विज्योतक उत्तक भी बोलते हैं, सेकंड इज परमानेंट टिश्यू जिसको स्थायी उत्तक भी बोलते हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि टिप पार्ट ऑफ रूट, टिप पार्ट ऑफ शूट, इनकी जो अगर सिरे हैं, चाहे रूट हैं चाहे स्टेम हैं, अगर सिरे हैं लगातार क्या करते हैं, ये वृद्धिशील रहते हैं। वृद्धिशील क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके टिप पार्ट में कौन से टिश्यू मिलेंगे आपको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे, ठीक है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं और परमानेंट टिश्यू हैं दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि प्लांट बॉडी के अंदर, या अपने एम्ब्रियो बोलें, प्लांट बॉडी का जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लांट बॉडी के अंदर सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही धीरे धीरे मैच्योर होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनका जो मेन जो करेक्टर है, मुख्य जो अभिलक्षण है वो है लगातार वृद्धिशील रहना, लगातार वृद्धिशील रहना। क्यों, क्योंकि इस प्रकार इसकी जो कोशिकाएं हैं उनमें लगातार विभाजन करने की क्षमता पाई जाती हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं इनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से नष्ट हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लगातार 24 हाउस लगातार ये क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, डिवीजन करते हैं, इसी वजह इनको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। अब इसके अलावा इनके और कौन कौन से गुण हो सकते हैं वो आप देखो, इनके करैक्टर क्या क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, कि इनमें क्या है, एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड। इसका क्या मतलब है कि मेरिस्टेमेटिक जो विभाजक ऊतक हैं उनमें किसकी योग्यता होती है, लगातार वृद्धि करने की योग्यता होती है, और विभाजन करने की भी इसमें योग्यता होती है, कंटिन्यूसली लगातार बिना रुके ये वृद्धिशील रहती हैं और विभाजन करती हैं। इसमें बच्चों लगातार क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन लगातार इसमें चलता रहता है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस। तो इस प्रकार ये लगातार क्या है, कंटिन्यूसली ये विभाजन करने की योग्यता इनमें होती हैं, जबकि परमानेंट जो टिश्यू हैं उनमें विभाजन करने की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से नष्ट हो जाती हैं, वे स्थायी हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, परमानेंट या स्थायी ऊतक। सेकंड जो प्रॉपर्टी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो है इमैच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। बच्चों ये जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू हैं इनकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं, इमैच्योर होती हैं। इमैच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व, ये कैसी होती हैं, अपरिपक्व। अनडिफरेंशिएट का मतलब यहाँ पर क्या है, अविभेदित, इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर आपने देखा था कि एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये कैसी होती हैं, अपरिपक्व, इमैच्योर होती हैं और अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, इनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। आप यह नहीं बता सकते कि ये कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, ये जाइलम की सेल्स हैं, ये फ्लोएम की सेल्स हैं, ठीक है, सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, आप अपने डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। तो ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। जो नेक्स्ट जो फीचर है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो सुस्पष्ट होता है, और जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो डेंस होता है, सघन होता है। क्यों, क्योंकि इसको लगातार क्या करना है, कार्य करना है, फंक्शन करना है, इसलिए साइटोप्लाज्म इनका डेंस होता है। और अगर इनकी शेप की बात करें, आइसोडायमेट्रिक, समव्यासी, एक जैसी होती हैं,
ओवल अंडाकार होती हैं, राउंडेड गोलाकार भी हो सकती हैं। और इनकी कोशिका भित्ति की बात करें, सेल वॉल की बात करें, तो कोशिका भित्ति कैसी होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती हैं, इलास्टिक रबर की तरह लचीली होती हैं, और मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज से मिलकर ये बनी होती हैं। और इनमें जो वैक्यूल हैं, वैक्यूल लगभग इनमें एब्सेंट होती हैं, अगर होती हैं तो बहुत ही छोटी होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें क्या है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर वाले होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी सबसे अधिक इसमें होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर होती हैं। क्यों? क्योंकि लगातार इसने क्या करना है, विभाजन करना है, ठीक है। और इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी छोटा होता है। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना कि इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं पाया जाता। अब ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, दो कोशिकाओं के बीच में, सेल्स के बीच का जो अवकाश है, स्पेस है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है, नहीं होता है। इसका मतलब इनकी जो सेल्स हैं आपस, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, आपस में कैसी होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज, बिल्कुल पास पास स्थित होती हैं। और इनकी तुलना में जो परमानेंट टिश्यू हैं, परमानेंट टिश्यू बच्चे धीरे धीरे, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं धीरे धीरे ये मैच्योर हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट स्थायी ऊतकों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये विभाजन करने की क्षमता पूरी तरह से खो देते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये दोबारा विभाजन कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हैं, अन्यथा ये लॉस्ट ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड, विभाजन की क्षमता इनमें पूरी तरह से या अस्थायी रूप से नष्ट हो जाती है। डिफरेंशिएटेड सेल्स, अब इनकी कोशिकाएं जो हैं वो